हे गाइस, हाय, हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके साथ आपकी फ्रेंड अंकिता प्रकाश और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टुडेज, जहां हम कराते हैं आपका बॉलीवुड इंडस्ट्री से डायरेक्ट कनेक्शन। आप सभी की दोस्त एक बार फिर से हाजिर है आप सभी के साथ एक नई अपडेट लेकर। जी हाँ दोस्तों, महाभारत में भीम के रोल में नजर आएंगे ये एक्टर, नाम जानकर हो जाएंगे हैरान। इस समय बॉलीवुड में दो पौराणिक फिल्मों की बात चल रही है, पहली नितेश तिवारी की फिल्म रामायण तो दूसरी मधु मंचेना की फिल्म महाभारत। अब खबरें ये हैं कि मधु मंचेना की महाभारत में ऋतिक रोशन भगवान श्री कृष्ण की भूमिका निभाते हुए नजर आ सकते हैं, तो वहीं इस फिल्म में दीपिका पादुकोण पहले से ही द्रौपदी की भूमिका में तय कर दी गई हैं। इस फिल्म में चित्रा बनर्जी की किताब द पैलेस ऑफ इल्यूशंस पर आधारित है, जो द्रौपदी के पक्ष में महाभारत की कहानी कहती है। लेकिन खबरें हैं कि इस फिल्म में एक और बॉलीवुड के सुपरस्टार यानी कि सिंघम स्टार अजय देवगन की एंट्री हो सकती है। वैसे आप लोगों को बता दें कि श्री कृष्ण और द्रौपदी सबसे अच्छे दोस्त थे। चौपड़ के खेल में जब पांडव द्रौपदी को दाव में हार गए थे तो कौरवों ने हस्तिनापुर की भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण किया था। इस दौरान द्रौपदी सभा में मौजूद हर पुरुष से मदद की गुहार करते थक गई और अंत में उन्होंने अपने सखा श्री कृष्ण की को मदद के लिए याद किया और द्रौपदी की आह्वान के बाद दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचते खींचते थक गया, लेकिन साड़ी खत्म नहीं हुई थी। अब देखना है कि द्रौपदी और श्री कृष्ण की इस दोस्ती को दीपिका पादुकोण और ऋतिक रोशन वाकई पर्दे पर उतार पाते हैं या नहीं। वैसे आपको बता दें कि अजय देवगन की इस फिल्म में एंट्री और उनके रोल की बात करें तो उन्हें इस फिल्म में भीम के रोल के बारे में काफ़ी ज़्यादा खबरें तेज हैं। आपने महाभारत की कहानी पढ़ी और देखी तो होगी। अब पांच पांडव कैसे सच्चाई के रास्ते पर चलकर 100 कौरवों पर भारी पड़ जाते हैं। वैसे तो सबकी काफ़ी शक्तिशाली थे, लेकिन इन सब में पांडव पुत्र भीम सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माने जाते थे। आखिरकार उनमें 10,000 हाथियों का बल जो था, वही वजह है कि भीम पांडवों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थे और अजय देवगन पर ये भूमिका काफ़ी ज़्यादा शूट करेगी। हालांकि महाभारत में युद्ध में भीम ने ही दुशासन और दुर्योधन का वध कर द्रौपदी के चीरहरण का बदला लिया था। वैसे अगर इस किरदार के लिए अजय देवगन हाँ कर देते हैं तो यह उनके करियर के लिए बहुत बड़ा कदम साबित हो सकता है। साथ ही ऋतिक रोशन और अजय देवगन पहली बार एक साथ सभी दर्शकों को काम करते हुए नजर आ सकते हैं। खैर, इस फिल्म को लेकर विशेष जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन देखना यह होगा कि इस फिल्म में कौन कौन से हीरो हीरोइन या फिर अभिनेता अभिनेत्री शामिल होते हैं। वैसे इस फिल्म में अजय देवगन को भीम के किरदार में देखने के लिए आप लोग कितना एक्साइटेड हैं हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। today's.com पर भी हमारे न्यूज़ को आप देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे ही नए नए अपडेट्स हम आप सभी को प्रोवाइड कराते रहें। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग टुडेज़।